क्रिप्टो वाला सीन है मुझे याद है एक दफा तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बन गया था बिटकॉइन वगैरह इन चीजों का हाँ मैंने इसको एक बार ही अपना पोर्टफोलियो दिखाया था इट वाज अ वेरी बिग डील उसके बाद वो सारा क्रैश हो गया था पांच दिन के बाद ही क्रैश हो गया था तो मैंने ना उस दिन <laughs> कहा था मैंने कहा था यार असन इतने ज्यादा तूने पैसे मतलब ये मैं आम पैसों की बात नहीं कराया करोड़ों में समझ लें मुझे ना एक रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पे की ना मुझे गाइड कर दे की मैं सी एस किस तरह करूँ तो मैंने टाइम लगा के उसको गाइड कर दिया इवेंचुअली उसका जो अगला रिप्लाई है उसमें यू नो सिर्फ और सिर्फ थर्टी थाउजेंड डॉलर मांग लिया पहले ये तो बता दो लोगों के हम सगे भाई हैं वो हाँ, हाँ, हाँ। कोई भी सिंगर होता है वो अच्छे गाने बना रहा होता है वो एकदम से ना बिल्कुल शैतानी गाने बनाना शुरू कर देता है

स्टार्टिंग में तो ये था बिल्कुल के वो कैमरा था मेरा मोटो जी फाइव या जी टू ना सर्दियों में रिकॉर्ड करते थे था था तो कर कैमरे का फ्रेम रेट रह गया से यू नो काफी लंबा सफर है बहुत लंबा सफर है मेरा और अभी भी मैं इस तरह पहुंचा जिस तरह पाकिस्तानी फेमस व्लॉगर्स यूट्यूबर्स है ना आई थिंक स्लो एंड स्टडी ज्यादा बेहतर है और यू नो इवन की कुछ कंपनीज भी होती है जो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करी होती है तो वो लॉन्ग टर्म चलती है कुछ लोगों का बिजनेस यू शूट अप कर जाता है कुछ लोग थोड़ी सी चीज सेल कर

बंदे को लगता है जो भी नया सोशल मीडिया पे आता है यार ये मैं ना एनक इस ना मैं तरह चलता हूँ तो मैं कूल बन के लोगों को दिखाऊंगा तो you know? कोई बंदा आपको नेगेटिव कॉमेंट करता है तो जब आप नए यूट्यूबर होते हैं या नए टिकटॉकर होते होते तो आपको बड़े दिल पे लगते हैं लेकिन स्लोली स्लोली जो होता है ना आप बिस्ती प्रूफ हो जाते हैं ये ऐसे जिसको आपको फाइट करना पड़ता है लेकिन ओवर काम ईजी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं जब मस्जिदों में जाके व्लॉग्स लगाता था रमजान में ऑब्वियसली रमजान में आप क्या एक्टिविटी करेंगे उसमें शुगल भी था अवतार करता था मैं खाने का रिव्यू करता था तो मुझे उसको कॉमेंट आया कि व्यूज के लिए मस्जिद में जा रहा है ट्रिप क्लब ले जाता तू रमज़ान में हाँ, मुझे भी ये लग मतलब की अब रमजान में मैं रोजा रख रहा हूँ उसके बाद रोजा लग रहा है और उसके बाद फिर मैं मस्जिद जाके अवतार कर रहा हूँ साथ मैं वीडियोज भी बना रहा हूँ ये वहां कभी आपने किसी अंग्रेज को मिस्टर बीस्ट के वीडियो पे कॉमेंट करते हुए देखा है वो एंटार्टिका भी जाता है वीडियो बनाने के लिए तो किसी अंग्रेज ने उसे ये नहीं कहा कि व्यूज

करे जिस तरह वो ए आर वाई पे वसीमदी का शो लगता है तो उनको तो कोई नहीं कहता कि हाँ, आप व्यूज वो के लिए कभी वो बेचारे वो छोटे बच्चे जो मशहूर हो जाता है वो शहजाद क्या नाम है उसका शेराजी ब्लॉगर जो है वो मशहूर हुआ है उसके शो पे वो आ गया बच्चा है पीछे देखो कौन है उसको बुला लिया उन्होंने शो आई मीन I mean, देखो वो प्रोवाइड कर रहे हैं और इंटरटेनमेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसमें अब इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है किसी का इक्वल एक्सचेंज हो रहा है तो अब कहना नहीं बनता के व्यूज के लिए कर रहा है मैं तुम्हारे पे वापस आता हूँ हाँ भाई वाली भाई तो क्या क्वालिफिकेशन है अब

मैंने ओ लेवल किया फिर ए लेवल किया फिर मैंने लम से अंडर ग्रेजुएट किया कंप्यूटर साइंस में उसके बाद फिर मास्टर्स करने के लिए मैं यूएस में आ गया कंप्यूटर साइंस करने के लिए अब बड़े बच्चों की मतलब ख्वाहिश होती है जॉब की तरफ जाने की यूएस में अच्छी जॉब लैंड करने की अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको बैचलर्स में यहाँ पे आना चाहिए या फिर ग्रेजुएट स्कूल में पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी अपनी कम्पलीट करके क्योंकि जब तो मैं ऐसे तो बच्चे कम जा रहे थे अमेरिका में और किसी भी मुल्क में अब तो बच्चे भर भर के बसते भर भर के जा रहे हैं वो तो अंडर ग्रेजुएट भी नहीं बर्दाश्त करना चाह रहे पाकिस्तान के अंदर मेरा पर्सनल मानना यह है कि इवन दो मूसा अंडर ग्रेड में आया था और मैं मास्टर्स में आया था मेरी तो ये प्रेफरेंस है कि बंदे को मास्टर्स में आना चाहिए जो था ना, थोड़ा सा बंदा इतना नहीं हुआ होता है और मैंने ये ट्रेंड भी देखा कि जो भी मास्टर्स के लिए आए थे लोग उनके ग्रीन कार्ड वगैरह का प्रोसीजर बड़े आराम से स्मूदली चला undergrad में थोड़ा सा टफ टाइम मिलता उन्हें अक्सर इंडियंस ये करते हैं कि वो अंडर ग्रेड करते हैं इंडिया से उसके बाद तीन साल वहाँ पे जॉब करते हैं उसके बाद लोन लेके यूएस आते हैं मास्टर्स करने के लिए उसमें उनके पैसे भी सबसे कम लगते हैं और वो उस चीज को प्रॉफिट भी बना लेते हैं जॉब भी फॉरन लगे

हूँ कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे यूएस में चीटिंग वगैरह करके पास हुए हैं भी किसी और, से थे। बस उनके है और उनके पास उनके कुछ भी नहीं है तो कहा तो था कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो फलाना लेकिन I mean, अपनी जॉब लेने के लिए कितने है एक वेबसाइट है कितने तू सवाल वो हमें मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हम इमिग्रेंट्स है ठीक है लेकिन अगर आप यूएस के अंदर पैदा हुए हो तो आपके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन अगर आप वहां से हो मतलब पाकिस्तान इंडिया से हो तो आपके लिए थोड़ा सा काम ज्यादा टफ हो जाता है और आपको इंटरव्यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं इंटरव्यूज प्रैक्टिस करने का फायदा यह होता है कि आपके थोड़े स्मूथ हो जाते हैं और जो भी आपके दिमाग में नॉलेज होता है ना वो आराम से जो है रिक्रूटर की तरफ पहुंच जाता है कौन सी पे प्रैक्टिस करनी चाहिए जैसे तो इंटरव्यू के लिए एक वेबसाइट थी हाँ पे तू प्रैक्टिस करता था बच्चों को थोड़ी नॉलेज हो जाए या और कोई प्रैम्पॉट कॉम उस पर सकता है बंदा लीड कोड पे कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकता है हैकर रैंक बहुत अच्छा है उस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वेबसाइट के लिंक ना मैं नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो डू चेक आउट अगर आपका इंटरव्यू कहीं से बन रहा है या बनने वाला है या नहीं बना तो इट विल हेल्प यू आउट बाकी लीड कोड है जो की जॉब्स करनी है इजी क्वेश्चन करो फिर मीडियम पे पे जाओ फिर हार्ड इजी क्वेश्चन होते मैं भी किए थे हाँ इससे मैंने बड़ी मुश्किलों से करवाए थे <laughs> <laughs> यार उस वक्त ना मैं कॉलेज में कब की बात है तो मेरे सेकंड ईयर ईयर में था बंदा इतना सीरियस नहीं होता है सोफोमोर ईयर में जॉब तो नहीं लेने के लिए होता है बस यार कॉलेज के मैं पहले जो कोर्सेस उनको तो पूरा कर लूँ मेरी जॉब लगी हुई थी और मोसा कॉलेज में था जब वो मेरे से पैसे मांगता मैं कहता लीड के क्वेश्चन कोटन फिर मिलेंगे तो एक क्वेश्चन करने का डॉलर मिलता था 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 फिर फिर मैं इसको कर करके देता था। फिर फौरन, फौरन भेज देता भेज था था मुझे तो चलो एक मोटिवेशन तो होती थी ऐसा अच्छा तरीका है बंदा आई मीन बच्चों को भी अपने ट्रेन करना बंदा बाउंटी रख सकता बाउंटी रख सकता है पेट्रिक बेट डेविट उसकी बड़ी अच्छी बात है वो कहता है मैं खिलौनों का डब्बा लाता हूँ लेगोस का कुछ का भी ना और मैंने उसको पाइल ऑफ बॉक्स के ऊपर रख देता हूँ एक या दो बॉक्स के ऊपर कहता है ये तो हमारा खिलौना मैंने रख दिया तो अगर तुम ये दो बॉक्स खत्म कर लोगे तो तुम

इंसान को वही चीज करने का मजा आता है जो फॉरबिडन होती है ज्यादातर अब हम आराम से कहीं भी जाके कुछ भी खा सकते हैं लेकिन जब हमारे स्टूडेंट दौर में थोड़े से रिसोर्सेज तंग होते थे पॉकेट मनी वगैरह तो उस वक्त चीज को खाने का ज्यादा मजा आता था बनस्बत अब के लिमिट्स को क्रॉस करना चाहिए कभी कभी क्योंकि इसी तरह आप ग्रो करते हैं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होने चाहिए ये ना हो के नु? हमारी बात सुन के आप लाइने बना रहे हो आपको मूसा खाना का ब्लॉग लगा स्क्रीनें नजर आ रही हो मेरी देखो मैं ना बड़ा रियल हूँ अपनी ऑडियंस के साथ तो मैं

भी उनको सही तरह पूरा पढ़ा करो ये मुझे यहाँ बच्चों की बहुत बुरी बात लगती कहते है कहते हैं यार हमारे लिए तो कॉलेज एजुकेशन है, है।, हाँ, है, है बट वही बात करते हो बुक स्मार्ट, से, स्ट्रीट स्मार्ट हो स्ट्रीट से बुक स्मार्ट कभी नहीं हो सकता आई I मीन mean आपको पता है कुछ लोग जो जाहिल है आजकल बड़े अमीर हो गए हैं लेकिन वो एक ना उनके अंदर से चीज निकलती है बाहर आती है यू आर इम्पोर्टेंट टू समन जस्ट बिकॉज यू हैव मनी नॉट इम्पोर्टेंट टू समन बिकॉज यू आर समथिंग ऑफ यूर ओन एंड आई थिंक आपको में एक्सेल करके और इन चीजों में एक्सेल करके भी आती है दूसरा एट ऑल्सो बेट योर कैरेक्टर आप एग्जाम देते हो उनको पास करते हो आप उनके लिए मेहनत करते हो तो आपको मेहनत करने की भी आदत डल जाती है ऐसा ही है और जितने भी ये billionaires है वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट हैं ठीक है, Harvard है और हार्वर्ड तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा दिमाग चाहिए होता है और हार्वर्ड के हैं भी नहीं लेट से स्टीव जो था ना वो तो हार्वर्ड का नहीं था लेकिन उसमें क्या खेल था आर्टिस्टिक्स खेलता और उसके अंदर आर्टिस्टिक के अलावा भी हटके वेरी गुड कॉन्वर्सेशनल मतलब जिस तरह वो लोगो को सोए करता था अपनी बातों से उसमें

एप्ल का अच्छा डिजाइन है वो उसने किसी को खेले ग्रीफी क्लास ही देखा था फॉन्ट्स वाली चीज उसने कॉलेज में वो चीज पढ़ी है तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं वो जाया नहीं जाएगा वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा और वो वो उसका उसका दोस्त जो 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 था वो जो था जो था वॉजनेक जो, वॉजनेक स्टीव समथिंग नाम जिसने बेसिकली कंप्यूटर डिजाइन किया था वो उसका कॉलेज का ही तो दोस्त था यू कैन नेवर टेल लाइफ ने तुम्हारे लिए आगे क्या रखा वे इट डिपेंड्स ऑन योर लक इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स इट डिपेंड्स ऑन योर मेहनत आप जहां पे भी जिस सिचुएशन में भी है ना जितनी एवरेज मेहनत चाहिए होती है ना उससे ज्यादा ही किया करें कई

और जो लोग परेशान होते हैं वो इवेंचली सक्सेसफुल हो जाते हैं उस वक्त से चलती आ रही है जॉब मार्केट खत्म हो रही है दूसरा महंगाई हो रही है सस्ताई तो कभी सुना ही नहीं हमने हाँ ठीक है बचपन से सुना है महंगाई हो रही है महंगाई हो रही है लाइटें बहुत जा रही है ये हो रहा है बस इकोनॉमी को लैप करने वाली है होने वाली दुनिया खत्म होने वाली है लेकिन ये 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 यही चलता रहता है लाइफ में अभी आई वुड से दो आउट ऑफ ऑल द टाइम्स प्रायर अभी सबसे ज्यादा महंगाई का दौर चल रहा है अगर यूएस में लोगों को फील हो रहा है ना कि महंगाई है फिर पूरी दुनिया में तो एक अलग ही सीन है लोगों की परसेप्शन कुछ ऐसी होती है कि पाकिस्तान में शायद ये सिचुएशन चल रही है लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि लोगों को फील होता है कि इकोनमी अब खत्म होने वाली है आप यहाँ का टिकटॉक खोलो ना यहाँ पे हर दूसरा बच्चा कंप्लेन कर रहा होता है कि रेंट कितना महंगा है ठीक है अब यूएस में लोगों को बैठे लगता है यार ये तो डॉलरों में कमा रहा है लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ पांच डॉलर पर मत बच्चा बनाता भी है टैक्स कार्ड के अच्छा उसने कोई अपार्टमेंट लेना पंद्रह सौ दो हजार डॉलर से कम का नहीं पड़ेगा गाड़ी ली है, तो उसकी चार सौ ऐसी पांच सौ डॉलर मंथली उसकी जा रही है इंश्योरेंस गाड़ी पे अपने। वो आपको तीन डॉलर पड़ी है इलेक्ट्रिसिटी बिल है वॉटर बिल है उसके बाद ग्रोसरी उसके बाद लेजर वाली भी चीजें होती है अभी तो मैं काफी बिल्स बीच में शायद मिस कर रहा हूँ बट कुल मिला के आप हैंड टू माउथ ही जाते हो एवरेज बंदे का गुजारा करना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ आजकल आजकल पहले नहीं था आई वोड से ये चार पांच साल पहले कोविड से पहले छोट से पहले सब चल थे अभी हम महंगाई और इसकी बात कर रहे थे ना तो हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की ना तुम्हारा तो है काफी मैंटेलिटी तुम बचपन से पैसे जोड़ने छोड़ने में अच्छे हो और सारी चीजों में ना आई थिंक सारे भाइयों में तुम ही हो जिसने वो स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया क्रिप्टो में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आजकल का क्या सीन लग रहा है इसमें दो से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने अपने भाई को भी एक बार ही कहा था कि एथीरियम जो है ना वो 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 हंड्रेड डॉलर पे था उस वक्त तो मैंने उसको था यार प्लीज खरीद लो थोड़े से और ये ऊपर ही जाएंगे मैं काफी देर से इनक्रेज करता हूँ की लोगों क्रिप्टो में और स्टॉक्स में लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए सारे पैसे ना इन्वेस्ट करें बस थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए बंदे को तुम्हारा पोर्टफोलियो अब कैसा लग रहा है I mean, पर्सनली सारा पूछूंगा लेकिन आई थिंक मेरी फेवरेट एसेट्स जो है ना वो एक गोल्ड है और एक है एसपी फाइव हंड्रेड की यूएस की टॉप फाइव हंड्रेड कंपनीज की वो एक कलेक्टिव स्टॉक है तो वो काफी स्टेबल होता है और लोग ज्यादातर उसमें इन्वेस्ट करते हैं यूएस क्योंकि उसका यही होता है वो ऊपर ही जाता है इट्स गोइंग टू अपवर्ड ट्रेंड उसका होगा कि यूं हल्का सा गिरेगा लेकिन ऊपर ही दस सालों से ट्रेंड देखो तो इस तरफ ही जा रहा है उसका पिछले सौ सालों पर ना एवरेज रिटर्न का हाँ मैंने इसको एक बार अपना पोर्टफोलियो दिखाया था जो नो you know, मेरे दो साल की इनकम थी उस वक्त तो इट वॉज अ वेरी बिग डील उसके बाद वो सारा क्रैश हो गया था तो दो महीने बाद कितने देर उससे पांच दिन के बाद ही क्रैश हो गया था तो मैंने ना उस दिन कहा था मैंने कहा यार इतने ज्यादा तूने पैसे मतलब आम पैसों की बात नहीं करा हुआ करोड़ों में समझ ले मैंने इसको कहा कि यार तू ना बेच दे इसको उस वक्त ही ना कहता है अभी तो देख तू ये 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 जाएगा मैंने कहा बेच दे यार मैंने अपने पूरे पैसों में मैं अपने ना बड़े बड़े घर देख रहा था मैं लैम्बो देख रहा था उस वक्त ना मैंने सोचा की यहाँ से मैं यू इन्वेस्ट करूंगा यहाँ से मैं अपने ख्याली पिलाओ में मसरूफ था तो पांच दिन के बाद वो क्रैश हो गया क्रिप्टो में ऐसा होता है कि यू नो हाइज और लॉस बहुत एक्सट्रीम होते हैं कभी आपको इतनी खुशी मिलती है कि आपका दिल फटने वाला हो जाता है और ये क्या क्रैश भी क्या होता है कुछ

के फेवरेट फेवरेट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो भी क्रिप्टो से बाहर हो जाते हैं अक्सर कहते हैं कि यार दिस इज समथिंग दैट वी कैन नेवर अंडरस्टैंड मे बी और दिस इज समथिंग दैट इट्स नॉट प्रॉफिटेबल आपको उस पर दिमाग मारना पड़ता है एक चीज जो होता है ना मुझे फाइनेंशियल वीडियोज बनाने पे डर ये लगता है कि अगर बंदा अपना पोर्टफोलियो वगैरह बता दे तो फॉरन ही जो होता है ना कोई <laughs> कोई ना कोई इनबॉक्स में आ जाता है पैसे मांगने के लिए <laughs> वो तो अभी भी आ जाता है वो कौन सा बच्चा था कहते यार मेरे ना अबू का ख्वाब था वो क्या स्टोरी है हाँ मुझे ना एक रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पे कि ना मुझे गाइड कर दे कि मैं सी एस किस तरह करूँ मुझे एच वन बी वगैरह का सारा बता दें तो मैंने टाइम लगा के उसको गाइड कर दिया एक मैंने इतना बड़ा जो है ना पैराग्राफ लिखा हो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के लिए डिफरेंट एडवाइस दी इवेंचुअली उसका जो अगला रिप्लाई है उसमें उसने मेरे से सिर्फ और सिर्फ थर्टी थाउजेंड डॉलर मांग लिया <laughs> थर्टी थाउजेंड डॉलर को करोड़ रुपया बनता और है घूम जाती है एक करोड़ तकरीबन उस भाई साहब ने मुझे इनबॉक्स में मार लिए हाँ। और कहता है कि मेरे अबू का बहुत ख्वाहिश थी कि मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊं तो मुझे जो है ना सारी चीजें रेडी हो गई है मुझे सिर्फ तीस हजार डॉलर की जरूरत है हाँ। हाँ। नहीं, डरना नहीं है बस हाँ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि यार उस बंदे ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है क्योंकि पहले वो एडवाइस मांग रहा था लेकिन उसकी असल इंटेंशन एडवाइस नहीं थी और भाई एडवाइस भी कौन सी फ्री होती है यार आप अपना टाइम देकर निकाल के ठीक है मगज मार के बंदा सोच के कोई लगता है ना चीज के

दादों के उसने ना है ना मुझे नहीं अप्रोच किया मोसा को भी अप्रोच किया जितने भी जाने वाले थे उनको भी सब अप्रोच कि... को कर दिया यार, I mean, हद हो कि... <laughs> उसके बाद में किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया ना तो अब दोबारा मैसेज आया कि तो मैं ना समझू <laughs>

अगर यहाँ से पैसे वहाँ पे जाएंगे पेलेटीन तो। की तरफ की तरफ हर जगह की तरफ वो सारों को छोड़ के हम डोनेशन इसको दे देते हैं उसके का ख्वाब पूरा हो जाए बिल्कुल ही है तो ये ये देखो ना ये अब लोग डोनेशन समझ के भाई डोनेशन समझ के क्या मतलब यार मतलब तुम खाने पीने को मिल रहा है तुम्हारे पास छत रखी हुई है ऐसी क्या बात है भाई और मैंने अक्सर दिए है बच्चों को कुछ को ना मैंने बीच में हेल्प भी की है लेकिन वो बहुत जरूरतमंद बच्चे थे उसमें से कुछ गलत भी होते हैं मेरा सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस जो है ना वो डोनेशन है मेरे रेंट के बाद और इसलिए ना हम मतलब मैं भी कोई अपनी इतनी ट नहीं करता चीजों को आई I मीन mean, और ये भी नहीं करता इस तरह का क्योंकि होता है यार फिर लोग बातें भी करते हैं लेकिन कभी कभी आपको लाइफ में करना भी पड़ता है, करना ये करना है। <laughs> ना अब मुझे इधर तो से उधर घूमता रहता है क्या करता है सी दैट्स आपको थोड़ा अपने आपको हम्बल करना पड़ता है ये लेकिन थोड़ा सा आपको फिर एक दिखाना भी पड़ता है थोड़ा सा कि यार ये भी सीन नहीं है भाई कुछ लाइफ में कर रहे हैं तो अब तुमसे बात कर रहे हैं बाकी सारे जो

इतने हाई नहीं होते उसमें नुकसान काफी आपको हैवी हो सकता है जो चीज मुश्किल है करने में और उसको करने में आपको एफर्ट लगेगा जिसकी नहीं। वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी तो उस काम को करने में आपको, हो सकता है। इसकी आम नहीं पड़ी। इसकी आपको लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल एयर जिस तरह एक जमाने में एर से बहुत ज्यादा पैसा बनाया जा सकता था अब उसमें वो नहीं रहा हर किसी ने वीडियो बना लिया किसी ने बात कर लिया उस पर डोंट बिलीव एवरी वन उस टॉपिक से रिलेटेड हम इस पर भी बात करते हैं जो आपको सोशल मीडिया में सारे एजेंडे आपको बताते हैं वेस्ट की तरफ से भी और अब तो पाकिस्तान में भी सारी चीजें आ गई हैं तुमने भी एक मैट्रिक्स पे बनाई थी वीडियो सारी के किस तरह द वेस्ट दीज मूवीज फूल यू आप काफी ज्यादा गाने देखोगे उसमें ये बड़ा सटल ब्रेन वॉशिंग होती है हर चीज में ये ना सिर्फ एक मेट्रिक सी बात नहीं है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो बनाता हूँ ये वो वफलान तो मेरे थ्योरीज जो है ना वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है तो उस उस वजह से मैं भी बना देता लेकिन ना ये आप ट्रेंड कही जो आप नोटिस करोगे हर चीज में जो है ना काफी ज्यादा डार्क हो गई है फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिंगर होता है वो अच्छे गाने बना रहा होता है वो एकदम से ना बिल्कुल शैतानी गाने बनाना शुरू कर देता है अजीब सी ड्रेसिंग करना शुरू कर देता है राइट बिफोर देन दे गेट एक्सट्रीमली फेमस पहले वो एक्सट्रीमली फेमस होते हैं यू करके शूटअप करते हैं हर उनका नाम होता है वो आपको फेमस करता है छोटे बच्चों के माइंड ब्रेन वॉश हो रहे हैं मैं तो अपने खैर चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ मैन एंड वुमेन डायनामिक्स के काफी बात करता हूँ बिकॉज मैंने और वली ने दोनों इस पे बहुत मतलब हमने स्टडी भी की एक्सपीरियंसिस पे भी देखा नॉट द वेस्ट ओनली बट अब तो बॉलीवुड ने भी ये काम शुरू कर दिया था यू नो ब्रेन वॉश

मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन में तो सारे बच्चे इस तरह पैदा हुए हैं। हाउस ऑफ ड्रैगन नहीं देखा बेसिकली गेम ऑफ थ्रोन्स का वो है पास्ट में जहाँ होते थे ना तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो ब्लड थी ना, भी बिल्कुल ठीक प्यारे क्यूट से ऐसा भी कहाँ देखा होगा आपने उसकी हाँ, ली है मैं आपको दिखाऊंगा कजन मैरिजेस में भी ऐसे बच्चे हो जाते हैं अब अगर आप पुराने किसी किंग का रिलेशनशिप देखो ना तो एक किंग होता था और ढेर सारी कौन की

के अंदर फॉर एग्जाम्पल कानिया वेस्ट का एक गाना था टोंडा के नाम से उसका ना। कॉन्सर्ट हुआ था तो उसमें इसी तरह करके ना घर को जलाते हैं उसके बाहर वो काले जादूगर सारे खड़े होते हैं जो यू नो मार्लिन है फिर एक दो यू नो डार्क से कपड़े पहन के अंगूठिया पहनी होती है से ना अंगूठिया तो मैंने भी पहनी <laughs> <laughs> और मतलब काले कपड़े भी पहने हुए <laughs> काले कपड़े भी पहने हुए <laughs> लेकिन ना उनकी अजीब सा पेंट लगा हुआ था मुंह पे और काले उंगलियां अजीब सा आपको समझ आ जाएगी अगर आप उनको देखेंगे ना वो एक बंदे को सीट पे बिठा के ना उसके पीछे लाइट सोर्स लगा हुआ था

समझ रहे हैं समझ रहे हैं वेल वेल लंबी नाक वाले लंबी नाक वाले समझ गए होंगे लोग अगर आप हिस्ट्री पढ़ो और सारी चीजें देखो ना तो ऑल मेक सेंस ठीक है ये जो कॉन्सपेसी अब जो गाने बना रहे हैं उससे बच्चों को हल्की हल्की ब्रेन वॉशिंग मीठी गोली दे रही टेलर स्विफ्ट की मैं बात कर रहा करूँ पहले उसके गाने अच्छे होते थे क्लियर होते थे पसंद आई उन्होंने उसके ऊपर एजेंडा पुष्ट करना शुरू कर दिया जस्टिन बीबर हो गया जस्टिन बीबर का गाना वो यमी आया जिसमें वो दिखाया कि वो उसके आगे पहले नॉर्मल खाने आ रहे होते हैं उसके बाद फिर जीव जीब से खाने बन के आ रहे होते हैं फिर तुम साउंड ऑफ फ्रीडम मूवी देखो उसमें सारा बताया बच्चों को जो किडनेप करते हैं और फिर बच्चों के साथ क्या करते हैं you know? हाँ ये बड़ा डार्क सीन है और ये तो वैसे इंडस्ट्री में ना गन चलता ही रहता है और you know, लाजमी बच के रहेंगे हाँ लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल डक्की भाई को कहते हैं किसी को भी कहते हैं ना व्लॉग्स बनाता हैं उल्टे सीधे जो भी बनाता है उसमें प्रोपोगेंडा नहीं पुश होगा तुम्हारे ऊपर हाँ वो तुम्हारे बच्चे रह देख डेली अपनी लाइफ दिखाता है और उसमें काफी हद तक वही इंसान है जो रियल लाइफ में है थोड़ा बहुत तो शो कराता होगा वो डिफरेंट लेकिन मूवीज को देखेंगे ना तो जो कैरेक्टर्स वो रियल लाइफ में होते हैं वो उस मूवी में बिल्कुल भी नहीं होते ठीक है यार क्रिंज बना रहे हैं जो भी है वो अलग है हमारी वहां देखना वही चाहती है बातें करते हैं सारे डी वकी को लेकिन मैसेज मुझे भी आता है यार अपना फिजा के साथ कोई प्रैंक बनाओ के आपने ना कोई सूंघ ली ये तो ये लिटरली ऐसे भी लोगों ने कहा कि भाई आप इस तरह का बना लो ड्रग्स पे बना लो कुछ बना लो और यूएस के अंदर ये है किसी बंदे से भी पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी कौन है और दुनिया का सबसे बड़ा साने कौन क्या था तो आपको बड़ा, बड़ा दुनिया का दुख भरा उसिया तो इतनी बन गई आई मीन इतनी मूवीज बन गई और लोगों के माइंड में जो ना ड्रिल कर दिया गया है और इवन के स्कूल के कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है कि सबसे ज्यादा मजलूम लोग कौन थे और सबसे बुरा आदमी कौन था तो हम उसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं लेकिन एक बात यह है कि बाकी लोगों के साथ भी बड़े जुलम हुए हैं ये इंडिया पाकिस्तान में कितना हुआ है अंग्रेजों ने कितना हमारे लोगों पर जुलम किया है और उसके अलावा स्लेवरी जो थी पूरी दुनिया में थी सिर्फ ब्लैक्स पे नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में स्लेवरी हर जगह होती थी वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस थ्रू आउट तो जुलम तो यार ऑलमोस्ट हर रेस पे हुए हैं अगर आप हाँ देखे जाए तो सही है लेडीज भी कहती है तो पर थ्रू आउट द हिस्ट्री बड़ा जुलम होता रहा तो बात यह कि हिस्ट्री जो थी ना सब पे म थी और मर्दों के लिए भी मर्दों पर कम जालिम थी मर्द तो ये जैसे तो मूवी में, हिस्ट्री में सुना सुनो तो कुत्ते की तरह लड़ मर जाते थे एक दूसरे के साथ घर से निकलते थे पता नहीं होता था कब आना है लेकिन अब उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है आज के दौर में कौन सा मर्द जंगों में जाके मर रहा? रहा है ये स्पिरिचुअल वॉर है जो मर्द एक फेस कर रहा है जंग क्या मतलब आजकल के जमाने में बाहर जाके कमाना आसान है पैसा अच्छे टाइम चल रहे हैं ना अब जिस तरह तो यूक्रेन में तो जा रहे हैं बेचारे वो मर रहे हैं और जो लेडेस जो है ना वो जाके एंजॉय करी है डिफरेंट कंट्रीज में दुबई घूम दुबई घूम रही है यूक्रेन की तो बंदियां भी ऐसी होती है और जो यूक्रेन के मर्द है ना इवन दो यूएस के अंदर भी बैठे हुए उनको कॉलेज आ रही है वहां से ना वापस आओ तो अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए ये नहीं मुश्किल नहीं होती औरत की लाइफ अपनी जगह मुश्किल uh, like, है बट आप ये नहीं कह सकते मर्द, मर्द तो करेगी वॉर नहीं चल रही वन मैन इज ऑलवेज एट वॉर्स अगेंस्ट मैन फाइनेंशियल उसमें चीजें आ जाती है टेरिटोरियल चीज आ जाती है इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ इनफैक्ट एक वो औरत जिसने अपना जेंडर बदल लिया था मर्द की तरफ उसने कहा था मैं दिखाऊंगी मर्द की लाइफ रहकर कितनी होती है दो साल बाद कर ली थी उसने जिस बंदे की आप लाइफ चाहते हो अगर आपको उसकी नेगेटिव चीजें पता चल जाए तो मैं भी आप उसकी लाइफ नहीं चाहोगे अगर आपको उसकी बुरी चीजें पता चल हम तो ये चाय ब्रेक बीच में ले रहे थे तो हो हो सूरज जो भाई थोड़ा गलूब हो गया इफ योर वॉन्ड्रिंग

सुबह सुबह पियो तो फैट बर्न होता है थोड़ा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा बेहतर है लेकिन आई आई लाइक चाय मोर आई कैन ड्रिंक मोर चाय कॉफी आप एक दो पी सकते हो चाय बंदा पिए जाए हाँ अगर आपने इफेक्टिवली जल्दी काम खत्म करना है तो उसके लिए कॉफी बेस्ट होती है तो बुल के बारे में आपका क्या ख्याल है बच्चे आजकल रेड बुल बहुत पी कौन सी अली रेड बुल या तू वापस अपने अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ चला जाता <laughs> नहीं है तो ऐसे ही मैं एनर्जी ड्रिंक एक पीता था अमाइनो एनर्जी वाली वो डेफिनेटली उसमें सिर्फ हंड्रेड कैफीन थी मिलीग्राम लेकिन वो भी मैंने पीना छोड़ दिया मेरे तो स्टमक इशूज आ गए थे एनर्जी ड्रिंक इज द नंबर वन फैक्टर यहाँ पे अमेरिका में वो वन ऑफ द नंबर वन फैक्टर के यहाँ पे बच्चों को काफी स्टमक इशूज होते हैं

खोल लें और दूसरी ऑप्शन फार्म नहीं। खोल ले पैसे कहाँ बनाए जागे क्या काम पे अपने ध्यान दे अगर फार्म पे ध्यान दे तो इसलिए एक क्विक एक्सेसिबिलिटी के लिए इंसान बाहर से जाके ग्रोसरी से चीज पकड़ लाता है ऐसे ही है अगर आपने देसी मुर्गी यहाँ पे खानी है ना तो फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल मुर्गी छः डॉलर की है तो देसी मुर्गी यहाँ पे मेरे ख्याल में पैतीस डॉलर की आपको होल मिलेगी हेल्दी खाना है तो वो काम बहुत महंगा है अच्छा ये खाने वाने के टॉपिक है ना इस पे तो बंदा बहुत डिबेट कर सकता है और मैं वैसे भी यू नो टिप्स बताता है तो डाइटिंग वाइटिंग की वो हम कर लेंगे लेकिन मैंने तेरे से टच पे इस फाइनल टॉपिक पे करनी थी कि ये जो देसी पेरेंट्स अपने हैं और इनकी अपब्रिंग है इसका मतलब के जो बच्चों पे असर होता है आजकल थोड़ा सा मैंने कहा बात टच करते हैं हम काफी बातें करते हैं उस बारे में हमारे से पिछले जनरेशन थी वो थोड़ी सी ज्यादा सख्त थी अपने करंट जनरेशन पे और जो उनसे पिछले वाले थे उससे भी बड़े फिर उनके परस्पेक्टिव में जो वो चीजें कर रहे थे ना वो ठीक थी फॉर एग्जाम्पल बूमर्स के परस्पेक्टिव में ये था कि यार पढ़ाई में ही कामयाबी है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना वाबेन की टाइम में बनी बातें तो जब अब बच्चों ने सारा पढ़ लिया वो कर लिया तो अब डिग्रीज फेल हो रही है बच्चों को कोई काम नहीं आ रही अब वो बिजनेस वाली चीज तरफ जा रहे हैं। असल में हमारी जो है उनको पुश किया गया था, कि आपने ना बनाया था हमारा तो मैंने जी नोटिस किया नौकरियाँ कि तो नौकरियाँ नौकरिया तभी बनती है जब बनते है। और अगर कोई नहीं कर रहा तो नौकरियाँ कैसे बनेंगी को सिस्टम में सारे चीज चलती है जो दुनिया के सबसे पहला स्कूल बनाया था वो इसलिए बनाया गया था कि लोगों को जॉब के लिए ट्रेन किया जा सके तो रॉकर ने सबसे पहला स्कूलिंग सिस्टम ने वो भी किया रॉकर ने मेडिसिन भी बिग फार्मा भी उसी का था सारा काम ऑयल की उसके थे ना वो सारे बेसिकली उसने अपने कारोबार के इर्द गिर्द ये सारी चीजें बनाई हैं लेकिन अगेन वो लोग कहते हैं बूमर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते उनके टाइम पे ये चीज़ सही थी अब हमारे टाइम पे हम चाह रहे हैं कि हम बिजनेस में जाए मे भी हम अपने बच्चों को भी पुश करेंगे कि यार आप किसी भी फील्ड में कारोबारी थोड़ा बनो बनाओ करके ना पैसे से पैसा बनाने वाला लेकिन हो सकता है फिर जब बोली जनरेशन बड़ी हो होकर यार इन्होंने हमें पढ़ाई लिखाई में इतना नहीं लगाया बंदा तभी ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकता है जब तक वो खुद इस चीज से गुजरे ना यू नो ट्रूली आई थिंक दोनों चीजों के प्रोजन कॉर्न होते हैं लेकिन मुझे सबसे कॉन लगता है ना जॉब करने का आप अपने बच्चों को कोई नहीं कर सकते वो अलादा से अगर आप कोई बना रहे हो तो वो ठीक है लेकिन आप बना बनाया अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते आपका बच्चा दोबारा से वही कॉलेज करेगा वही जॉब पहली पकड़ेगा उसके बाद वो नीचे से स्टार्ट बच्चे बच्चे बात बच्चे। है कुछ बच्चे में से पूछ भी जो हमारे पापा का बिजनेस है हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए संभालना चाहिए मेरी तो अपनी एस्पिरेशन है कितनी बेवकूफी वाली बात है हमारे बाप का जो बिजनेस है हमेशा तो ऐसे नहीं रहेगा जैसे पुराने जमाने में बिजनेस में कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर नहीं यूज होते थे तुम बड़े हो तो हर बिजनेस सी एस की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिस तरह तुम्हारे बाप ने छोड़ा था उस तरह तो तुम नहीं लेके चल सकते ना यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग योर आइडियाज और इसके अलावा ये भी है कि नाइन टू फाइव वाले जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्केजल पे चल रहे होते हैं लेकिन बिजनेस वालों को मैंने देखा है कि वो काम अच्छा खासा करते हैं लेकिन उनके पास शोर लगाने का भी काफी ज्यादा टाइम होता है पांच दिन काम करते हो ताकि आपको दो दिन की इंजॉयमेंट मिल सके और ऐसा नहीं है कि फ्रीडम आपको मिल जाएगी इवेंचुअली काम करके लोग ज्यादातर जो होते हैं रिटायरमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं कि हम रिटायर होने के बाद जो है लाइफ को एंजॉय करेंगे और रिटायरमेंट किस वक्त होती है

का है कि हम यू 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 हंस सर हिल रहे हमारे और पीछे cool, you know, जवान I mean, तो बंदा अपनी पोजिशन को उसके साथ ट्रेड नहीं करना चाहेगा कभी okay. भी नहीं करना चाहिए हाँ हमें ईलॉन मस्क की जिंदगी चाहिए लेकिन बर्फेट इवन दो वो बिलियन एयर है कोई भी नहीं बंदा कहेगा की हमें

हमारा मेरा थोड़ा मुंह ज्यादा सीधा है मेरा वजन भी ज्यादा एक्चुअली वो इतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन वो बस होता है वो देसी हमारी होती है ना कहते वो तू गोरा चिट्टा तो मैं थोड़ा सावला तो ये इक्वेशन नहीं बैठ रही क्रिकेट बहुत खेलता था सब मैं, मैं बाहर बहुत खेलता था बहुत ज्यादा मैं था। था। वीडियो गेम्स खेलता था ज्यादा ये सी वाला टेक वाला वीडियो गेम्स वाला मैं आउटडोर ही बच्चा था खैर लेकिन सगा भाई है यू नो अब मैं क्या रसीदे लेके आऊँ बर्थ सर्टिफिकेट डाल दू अपना यहाँ पे बाकी बचपन में तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ मैं तुम्हारा कैसा भाई रहा ता क्यूँ मारा मुझे इतना बचपन में तूने अब <laughs> अब मार अब मार मेरा और इसका ना पांच साल का डिफरेंस है और मारा तो नहीं है मैंने यार इतना प्यार से रखा है झूठा झूठ बोल रहे हैं नहीं खैर ये तो हर भाइयों बहनों में होता है छोटा बड़े से कोटी खाता है ग्रोइंग अप लेकिन हमारी क्लोजनेस ज्यादा रही है बचपन से क्योंकि पांच साल का फर्क है ये भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन दूसरे भाई से कम्पेरिजन में ना तुम तो मेरे से ज्यादा क्लोज रहे हो बचपन से हमारी हर चीज साथ होती थी नामी बचपन में कार्टून देखना है वो हमने साथ देखे वीडियो गेम ने बहुत गेम्स हमने टू प्लेयर वाली बड़ी

बैठ के नहीं नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तू बचपन में बनाया करता था यू नो फनी वीडियोस बनाया करता ओ हाँ मैं हमारी बचपन से एक नई आदत थी मेरी वो पता नहीं हमारा कैमरा कहाँ पे घूम गया लेकिन तुम्हारी बहुत ज्यादा वीडियोज हैं जिसमें तुम अब कैंसिल भी हो सकते हो ना। <laughs> <laughs> यार बहुत बचपन में ना यार ये हमारे मसला नहीं है ये हमारे मुल्क का मसला है मैं बच्चों को बहुत रेसिस्ट किया होता है पोलिटिकली करेक्ट जो है जो वर्डिंग है वो अब आई है इंट्रोड्यूस हुई है पहले तो लोग बहुत जो ना यार आप वो देख लो मूवी रशिया और देख लो वन उसमें कालोगी और चीनोगी वो एक दूसरे की ले रहे होते हर बात पे मेरा यूट्यूब करियर तबाह करना मेरी पुरानी वीडियो दिखा लो एट क्लास वाली सही बात है मतलब मैं कहता हूँ मेरा नक्शे से नाम हट देगा <laughs> इतनी रेसेस लेकिन as a kid, you're not anyway. <laughs> वहाँ पे तो चलता है वहाँ पे तो अगर लेट से कैमरा मैंने वली कोई पकड़ाया होता था हाँ अगर किसी बंदे के पाव नहीं है तो फिर नाम लंगड़ा रख देंगे <laughs> अगर किसी का रंग सांवला है तो उसको काला बोलेंगे कोई बंदा जो किसी की दो शादियां है तो वो शाह शा हाँ, हर बंदे की जो है ना नेगेटिव चीज को हाईलाइट करेंगे उसके नाम में उसके एक्स्ट्रा कर देंगे ना तो अंधा है तो काना हो गया काला है तो काले खा हो गया लेकिन बचपन से वली के साथ बना रहे हैं बचपन से वली मुझे ड्रॉप करता था स्कूल फिर अपने स्कूल जाता था तो हमारा बचपन अच्छा गुजरा यार साथ साथ तुम्हारा फेवरेट स्कूल कौन सा था वैसे आई वुड वुस वो बी डी सी इधर या वो वॉल्टन कैंपस पे उस या गार्डन टाउ बिकन गाउर दोनों मेरे बहुत अच्छे थे जी एस लेकिन एल जी एस थोड़ा स्कूल था।, था बच्चों के में हर वाले एल जी एस में आई मीन अब मेरे एल जी एस वाले दोस्त देखे कह रहे हो तो बातें बदल रहा है लेकिन जनमन बात आ रहा हूँ वो बिकेन हाउस के बच्चों के साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क होता है वो जो है ना बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करवाती है नेचुरली बच्चे जो है ना एक दूसरे के एनमोस्टी डेवलप कर लेते हैं आ, वो एल जी एस में बड़ा कट थ्रोट कल्चर आई मीन सारे में में नहीं होगा मैं तो जे -टी में गया था टाउन वाला वो तो अच्छा बाय द वे आपको मैं एक बात अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना स्पेशली अगर आप बीकन में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ना एक क्लास में एक जासूस हर क्लास में रखा होता है जो कि टीचर्स को बातें बताता है वो बच्चा आपको मेरा उसकी खूब ना कोट डाल के ऊपर फेंटी चढ़ाना और वो ऐसा बच्चा होगा जिसमें कुछ शक भी नहीं करता एक मुझे हाउस की बात याद आ रही है बिकन हाउस में एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी कि टीचरों का जो वहाँ पे चुकू होता था ना उसको फेवर्स मिलते थे फॉर एग्जाम्पल किसी कॉम्पिटिशन में जाना है जो टीचर का उठाने वाला था उसको भेज देते थे कॉम्पिटेशन हाँ, हाँ, मेरिट बेस्ड होता था जेटी में जो बच्चा अच्छा है वही ड्रामा कॉम्पिटेशन में जाएगा जो आर्ट्स में अच्छा आर्ट्स में जाएगा ये चीज मैंने नोटिस की उसमें नहीं था हाउस में क्या था जो टीचर का उठा हुआ ना उसको प्रेजिडेंट भी बना देते थे, थे आ, वो स्टूडेंट काउंसिल का हेड बिकेन हाउस में ना काफी ऐसे ज्यादा बच्चे थे जिनको टीचरों को लगता था कि ये बहुत हाई अचीवर्स होंगे इनके बहुत ज्यादा एज आएंगे तो उनका कुछ भी नहीं आया और जो शरारती बच्चे थे बिकेन हाउस के जिनका पता भी नहीं था जो छुपे रोस्तम से उनके काफी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स आ गए ग्रेड्स भी अच्छे

कि यार मेरी यहाँ दाल नहीं गली अब मैं डिफरेंट चीज में जाना चाहता हूँ बात यह कि अगर आपने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की ना फर्स्ट हैंड तब उस पे comment बाजी करोगे ना तो अगली चीज में जाके भी comment बाजी करोगे रैप अप करते हैं उसको आखिर में तुम्हारा एडवाइस क्या है यंग बच्चों के के लिए जो भी 18 साल कॉलेज जाने वाले हैं कॉलेज जाने वाले हैं तो उनके लिए ये है कि सेफ रिस्क जो है ना कैलकुलेटेड रिस्क सबसे ज्यादा लिया करें क्योंकि बंदा चीजें करने से ही सीखता है और आपके इर्द गिर्द कोई बुजुर्ग होंगे जो आपको हर बात पे एडवाइस करते हैं कि ये ना करो फला करो आई थिंक आपको खुद चीजों को एक्सप्लोर

को मोटिवेट करें कि ये भी अपनी वीडियोस बनाएं भाई ये भी इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हो मैं इंशाल्लाह वापस जाके करता हूँ कुछ इंशाल्लाह और इंस्टाग्राम पे हम दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है वीडियोस तो तुम अच्छी डाल रहे हो आजकल मुझे पता है <laughs> 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 मैं टेस्टिमोनियल दे दू ना एक साथ में बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं <laughs> बहुत अच्छा काम कर रहे <laughs> तो हो माशाल्लाह माशा करोगे तो करोड़पति हो जाओगे बस सही है इसको सब्सक्राइब करें फौरन और लिंक भी नीचे लगा हुआ है मेरे चैनल का सही है डन हो गया